हेलो दोस्तों, टॉयज गैजेट्स और स्नैक्स का एक बहुत ही बड़ा और प्यारा कलेक्शन लेके मैं फिर से आ चुका हूँ आप सबके सामने। और आप देख सकते हैं हमारे पास कितने सारे टॉयज गैजेट्स और स्टेशनरी है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखो पेंसिल बॉक्स है, स्नैक्स है, हमारे पास एक बहुत ही प्यारा गैजेट है, ये जरूर देखना। सबसे पहले मैं यही दिखाऊंगा आपको। और ये देखो वॉच है हमारे पास, और हमारे पास ये देखो जंप रोप और भी बहुत सारी प्यारी प्यारी कलरफुल चीजें हैं। एक एक करके सारी दिखाऊंगा, सबके प्राइस बताने की कोशिश करूंगा, पूरा वीडियो देखना एंड तक। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, हमारे पास है एक बहुत ही जबरदस्त कैंप लाइट। ये देखो गाइस, ये कैंप जब हम कैंपिंग करने जाते हैं या फिर रात को अंधेरे में लाइट वाइट चली जाए या स्टडी करना हो अंधेरा होने के बाद, तो ये बहुत काम आने वाली चीज है। मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, ये देखो कैंप लाइट यहाँ पर लिखा हुआ है, सोरो कंपनी की है ये। मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ, बहुत ही पसंद आएगी आपको और बहुत ही यूनिक फीचर्स भी है इसके अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ये देखो गाइस, हमारे यहाँ निकाल दिया ये कैंप लाइट। इसके साथ हमें मिली है एक चार्जिंग केबल, ये रही वो, चार्ज कर सकते हो इससे आप, क्योंकि इसके अंदर बैटरी नहीं लगती है, ये चार्ज होती है। तो इसको रखते हैं साइड में बॉक्स को। तो ये रही हमारी कैंप लाइट, ये देखो कितनी बढ़िया लग रही है। और सबसे बड़ी बात, ये धूप से चार्ज होती है दोस्तों। ये देखो यहाँ पर सोलर पैनल दिया गया है, अगर आप इसको धूप में रख देंगे ना ऐसे करके, तो ये अपने आप ही चार्ज हो जाएगी, है ना, कितनी अच्छी बात। आपको चार्ज करने की भी जरूरत नहीं है, धूप में बस रख दो, अपने आप चार्ज हो जाती है। और यहाँ पर इसका ऑन ऑफ का बटन है, ये देखो गाइस, और यहाँ पर ये चार्जिंग सॉकेट है, यहाँ से चार्ज कर सकते हो आप लोग। और मैं आपका ऑन करके दिखाता हूँ, और इसका एक फीचर हो रहा है वो मैं थोड़ी सी देर में दिखाऊंगा। तो ये देखो गाइस, हमने इसको लो मोड पे चला लिया है, देखो गाइस ये इसका लो मोड है, ये देखो ऑन हो गई है। देखो गाइस कितनी बढ़िया ब्राइटनेस है, मैं आपको लाइट ऑफ करके भी दिखाऊंगा। और ये देखो अभी हाई मोड है, इसका हाई मोड ऑन हो गया, देखो कितनी ज्यादा ब्राइट है, ये देखो क्या बात है, सब कुछ कैसे चमक रहा है, आप देखो कैसा है, और आप देखो कैसा है ना गाइस, कितना बढ़िया। और अब मैं आपको सबसे जबरदस्त इसका फीचर दिखाने वाला हूँ, देखो गाइस इसको ऐसे खोल के और ऐसे खींच लेना है। ये देखो गाइस, ये बन गई हमारा कैंप लाइट, ये देखो एकदम लैंप बन चुका है। और यहाँ पर हैंडल है, आप इसको लटका के कहीं भी ले जा सकते हो। अगर आप कहीं कैंपिंग जा रहे हो, वहां पर लाइट नहीं आ रही है, लाइट की प्रॉब्लम है, तो वहां पर सिंपली इसको धूप में रख दो, ये चार्ज हो जाएगा और रात को आप यूज कर सकते हो। ये देखो क्या बढ़िया चीज है, यहाँ से भी जलेगी, यहाँ से भी जलेगी, बहुत ज्यादा ब्राइट कर देगी ये लाइट, बहुत जबरदस्त है। चलो मैं आपको लाइट ऑफ करके इसको दिखाता हूँ कैसे ये लाइट जो है, इसकी लाइट कितनी ज्यादा ब्राइट है। तो लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं, और देखो गाइस मैं आपको सबसे पहले इसका लो मोड दिलाता हूँ। ये देखो ये इसका लो मोड है, देख लो कितना ब्राइट है, अभी ये नहीं है, और अभी ये देखो है कितना ब्राइट है इसको लो मोड। अब इसका हाई मोड दिलाते हैं, ये देखो इसका हाई मोड, देखो गाइस पूरा रोशनी कर दी, पूरा रूम में इसने दिन निकाल दिया गाइस, इतनी ज्यादा ब्राइट है। और अगर मैं इसका ये खोल दूंगा तो सोचो कितनी ब्राइट हो जाएगी, ये देखो कितनी ज्यादा ब्राइट हो गई ये लाइट, ये देखो गाइस वाओ। और गाइस ये जंगल वगैरह में ले जाओगे ना, सिर्फ यही नजर आएगी, कुछ और नजर ही नहीं आएगा, इतनी बढ़िया लाइट है। तो ये कैसी लगी आपको कैंप लाइट, कमेंट में जरूर बताना। इस कैंप लाइट को मैंने शॉप से खरीदा है 250 रुपीज में, ऑनलाइन तो ये महंगी मिलेगी। अगर आपको भी ऐसी कैंप लाइट चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, अगर आपको ऐसी कैंप लाइट चाहिए तो इसको रख देते हैं साइड में। और इसके बाद हमारे पास है एक डोरेमोन की बहुत ही जंबो साइज की ज्योमेट्री बॉक्स, ये देखो कितनी बड़ी है, मेरे हाथों से आप अंदाजा लगा सकते हो। सबसे पहले इसका सबसे पहला फीचर इसका अंदर कैलकुलेटर है, ये देखो इसके अंदर आप कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हो, जो भी आपको क्लासरूम में करनी है, एग्जाम में करनी है, कैलकुलेशन कर सकते हो आप। और यहाँ पर चार बटन दिए हैं, 1 2 3 4, इनको दबा के दिखाता हूँ क्या है इसके फीचर्स। ये बटन दबाया, यहाँ से निकला है शार्पनर, ये देखो ये रहा शार्पनर। ये बटन दबाया, यहाँ से इरेजर रखने के लिए जगह मिल गई। ये बटन दबाया तो यहाँ पर भी आप अपने जो है कॉइन वगैरह रख सकते हो। अब ये बटन दबाएंगे तो यहाँ पर भी आप जो है छोटी छोटी पर्ची चीटिंग करने के लिए छुपा सकते हो, मैं किसी को बताना नहीं। तो ये देखो ऐसे ये सब फीचर है, और ये सारी चीजें जो कि देखो खुली रहेंगी। अब इसको यहाँ से हम खोलेंगे, तो यहाँ पर हमने पेन पेंसिल इरेजर पेन पेंसिल या कलर पेंसिल यहाँ पर लगा सकते हो आप, ऐसे बंद कर सकते हो। यहाँ पर अपने छोटे छोटे जो क्रेयॉन्स वगैरह है वो लगा सकते हो आप। और अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और फीचर, सीक्रेट जगह, इसको जैसे स्लाइड करेंगे ये खुल जाता है। यहाँ पर आपने जो सीक्रेट पर्चियां हैं या फिर पैसे है वो यहाँ पर आप छुपा सकते हो, किसी को पता नहीं लगेगा। और अब ये बटन दबाओगे आप, तो ये बटन दबाओगे तो गाइस ये देखो यहाँ से एक स्पेस निकल के आता है, यहाँ पर हमने जो सीक्रेट पेन पेंसिल है जो आप यूज नहीं करना चाहते या फिर किसी को दिखाना नहीं चाहते वो यहाँ पर आप छुपा सकते हो। तो कितने सारे सीक्रेट कंपार्टमेंट है इसके अंदर सब, और सारे कंपार्टमेंट इजिली बंद हो जाते हैं, ये देखो ऐसे सिंपली प्रेस करो ये सब आराम से बंद हो जाता है, कितना आसान है ना गाइस। और यही नहीं, और यहाँ पर भी आप इसको उल्टा करके ऐसे खोलोगे तो यहाँ पर भी आपको एक बहुत बड़ा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर अपना नेम और क्लास आप लिख सकते हो, अगर आप इसे अपने क्लास रूम में ट्यूशन वगैरह में अपने फ्रेंड्स को आपने दिखाया ना तो सारे फ्रेंड आपसे इंप्रेस हो जाएंगे और पूछेंगे कहाँ से लाए हमें भी बताओ। मैंने इसको 250 रुपीज में शॉप से खरीदा है, और ऑनलाइन तो आपको ये 400-500 रुपए की मिलेगी। अगर आपको ये खरीदनी है, आपको ये चाहिए, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना।
इसके बाद गाइज ये देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है आप सबके लिए एक डायनासोर वाला पेन। ये देखो डायनासोर का फेस बना हुआ है और किसी को देख के लगेगा ही नहीं कि कोई पेन है, पर मैं आपको बता दूं ये पेन की तरह चलता है। आपको सिंपली यहाँ से इसकी कैप हटानी है और यहाँ पर आप इसको चलाएंगे तो ये बहुत ही स्मूथ भी चलता है गाइज। ये देखो इतना बढ़िया चल रहा है, ब्लैक कलर है, ये देखो कितना अच्छा चल रहा है, बहुत ही प्यारा पेन है। और ये पेन जो है हमने 40 रुपीज में लिया है और शॉप से। और इसके बाद ये देखो गाइस हमारे पास एक चाबी। अब आप पूछेंगे इस चाबी का क्या काम है, मैं आपको बता दूं ये चाबी के रूप में एक पेन है, ये भी एक पेन है चाबी जैसी दिखने वाली। तो इसको सिंपली यहाँ से खोलना है आपको और ये देखो आप इसको चलाएंगे कहीं पर भी तो बहुत ही मस्त चलेगा। ये देखो थोड़ा भी रखा हुआ था तो अभी देखो चलने लगेगा, देखो चलने लगा, देखो कितना मस्त चल रहा है एकदम डार्क। तो ये पेन एकदम चाबी वाला पेन बहुत ही प्यारा है, 40 रुपए का मैंने लिया था। इससे आप ट्राइंग कर सकते हो मेरे दोस्तों के साथ में। और मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे पास एक फिजेट स्पिनर वाली वॉच, कैप्टन अमेरिका वॉच है। ये देखो कितनी बढ़िया लग रही है और ये देखो ये घूमती है यहाँ से, ये देखो कितनी बढ़िया लग रही है ना। ये फिजेट स्पिनर वॉच है, अपने फ्रेंड्स को आप दिखाएंगे तो सब आपसे इंप्रेस हो जाएंगे। देखो घूम ही जा रही है, रुकी नहीं रही है, ये देखो कितनी जबरदस्त वॉच है ना। और देखो मैं इसका, और सबसे बड़ी बात है आप इसको ऐसे खोल के यहाँ से इसके अंदर टाइम भी देख सकते हो। ये देखो यहाँ पर टाइम भी देख सकते हो और आप चाहे तो फिजेट स्पिनर की तरह इसको घुमा सकते हो। और यहाँ पर देखो कैप्टन अमेरिका बना हुआ है, तो कैप्टन अमेरिका वॉच है और यहाँ से बटन दबाएंगे तो उसके अंदर लाइट भी जलती है। देखो ये देखो इसको दबा के रखेंगे ना उसके अंदर लाइट भी जलती है। ये देखो ऐसे दबा के रखो लाइट, देखो रात को अंधेरे में लाइट, देखो इसको घुमाओ, कितना मजेदार वॉच है ना। और ये वॉच मैंने 200 रुपीज से शॉप से खरीदी है। अगर आपके पास भी ऐसी वॉच है कमेंट में जरूर बताना, आपको चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना और ये भी लिखना कि आपको क्या चाहिए ये भी बताना। और इसके बाद ये देखो गाइस मैं आप सबके लिए बहुत ही प्यारी चीज जो है एक स्पाइडरमैन मग, यानी कि कप भी बोल सकते हो मग भी बोल सकते हो, मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। ये बहुत पसंद आएगा स्पाइडरमैन के जो फैंस होते हैं ना रियल, उनको ये बहुत पसंद आएगा। ये देखो गाइस कितना बढ़िया मग है, यहाँ पर देखो स्पाइडरमैन बना हुआ है, यहाँ पर स्पाइडरमैन लिखा हुआ है, जाल बने हुए हैं स्पाइडरमैन के, यहाँ भी स्पाइडरमैन बना हुआ है, यहाँ से हैंडल है आप ऐसे पकड़ सकते हो, यहाँ पर रबर दी गई है इसको एक बार रख दोगे तो सरकेगा नहीं गिरेगा नहीं, और यहाँ से आप इसको हटाएंगे ये देखो कवर भी दिया गया है इसके अंदर। ये देखो कितने बढ़िया एकदम पूरा स्टील का दिया गया है अंदर से, इसके अंदर चाय कॉफी जूस कुछ भी आप पी सकते हो, मिल्क भी पी सकते हो। और अगर आप इसको इससे कवर कर दोगे तो जूस अगर ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा, गर्म है तो गर्म ही रहेगा, घंटों भर इसको आपको मतलब इसके अंदर आप चीजों को ढक के रख सकते हो। तो ये कैसा लगा आपको मग कमेंट में बताना, ये 100 रुपीज में का मैंने शॉप से खरीदा था। और इसके बाद देखो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास है स्नैक्स, हमारे पास ये देखो क्रैक्स रिंग स्नैक्स है, इसके अंदर मैजिक टॉय निकलता है, 5 रुपए का पैकेट है, इसके अंदर स्नैक्स भी निकलता है और मैजिक ट्रिक वाले टॉय भी निकलते हैं। तो मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ, देखते हैं इसके अंदर हमारा क्या निकलेगा। तो ये हमने कट कर दिया है, तो ये देखो गाइस इसके अंदर बहुत सारे यमी यमी स्नैक्स नजर आ रहे हैं। और देखो गाइस इसके अंदर हमें मिला है एक टॉय, ये देखो ये रहा हमारा टॉय, मैजिक ट्रिक टॉय है। तो कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ, तो ये वीडियो में तो इसको समझाना पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि जब ये आपका निकलेगा ना तो आपको आसान, जब आप ये स्नैक्स खरीदोगे क्रैक्स वाला तो आपको समझ आसानी होगी इसको समझने में कि इसको कैसे यूज करते हैं। तो ये देखो गाइस मैं आपको बता देता हूँ सारी डिटेल, तो सबसे पहले इसके ऊपर लिखी होती है पीछे, ये देखो सीक्रेट इमेज। तो गाइस इसके अंदर ना सीक्रेट इमेज होती है जो आपको ऐसे नजर ही नहीं आएगी, वो आपको नजर आएगी इस लेंस से, जब आप इस लेंस के थ्रू देखोगे ना तो वो आपको सीक्रेट इमेजेस जो है नजर आने लगेंगी। ये देखो गाइस शायद आपको दिख पाए, तो ये देखो गाइस अब देखो आपको कोई सीक्रेट इमेज नजर आ रही है, एक लायन जैसा कुछ नजर आ रहा है, देखो कितना बड़ा लायन जैसा नजर आ रहा है आपको, कैट या लायन क्या है ये देखो गाइस, और हटाऊंगा तो आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा बट लेंस से एकदम क्लियर नजर आएगा। तो इस तरीके से जो है सीक्रेट इमेज आप देख सकते हो। तो 5 रुपए में ये देखो गाइस कितना सीक्रेट इमेज भी मिल गई, सीक्रेट वाला पेपर मिल गया और स्नैक भी यमी यमी मिल गए। तो अब हम दिखाएंगे आपको, ये देखो स्पाइडरमैन की बहुत ही प्यारी हमारे पास पेंसिल बॉक्स है जो कि पेंसिल की तरह ही नजर आती है, ये हमने 100 रुपीज में ली थी। तो देखो गाइस इससे आप ऐसे करके लिखने की एक्टिंग भी कर सकते हैं, बट आप लिख नहीं सकते इससे, इसको आप कहीं पर भी लटका सकते हो या फिर उंगली में लेकर लटका के कहीं भी जा सकते हो। और आप इसको खोलेंगे तो इसके अंदर आप स्टेशनरी की सारी आइटम अपनी रख सकते हो, स्केल कंपास पेन पेंसिल इरेजर शार्पनर सब कुछ इसमें आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है गाइस। और सबसे बड़ी बात है ये स्पाइडरमैन थीम पर है तो कितनी प्यारी है ना, देखो कितना बढ़िया स्पाइडरमैन यहाँ पर बना हुआ है। इसके बाद गाइस ये देखो हमारे पास एक आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया, अगर आपके पापा या आपकी फैमिली में कोई कार यूज करता है तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया गिफ्ट हो सकता है, सोलर पावर कार अरोमा इसका नाम है, आपको निकाल कर दिखाता हूँ। और एक मैजिक टॉय की तरह ये काम करता है, आप देखोगे ना आप हिल जाओगे इसको, अगर आपके पास भी ऐसा है या फिर आपने ऐसा कभी देखा है तो कमेंट में जरूर बताना। तो ये देखो गाइस इसको मैं निकाल कर दिखाता हूँ, ये देखो ये है वो टॉय ऑफ
काफी बढ़िया टॉय है, ये बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को पसंद आता है। इसके अंदर सोलर पैनल दिया गया है देखो, और इसको जब आप रोशनी में या फिर धूप में लेके जाते हो ना, तो ये कुछ इस तरीके से अपने आप घूमने लगता है, और जब घूमता है तो एकदम मैजिकल लगता है देखने में। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। तो अब इसको हम ना धूप में लेके जाएंगे और मैं आपको धूप में इसको घुमा कर दिखाता हूँ। तो गाइस अब मैं इसको धूप में लेके जाऊंगा, देखना अपने आप ये घूमने लगेगा। देखो जैसे अभी हम छाया में हैं, जैसे ही धूप में जाएंगे ये देखो घूमने लगा अपने आप। ये देखो धूप में जैसे ही मैं इसको लेकर आया ये अपने आप ही घूमने लगा, देखो कितना शानदार लग रहा है। और वापस से छाया में लेके आएंगे तो ये खुद ही जो है बंद हो जाएगा। ये देखो छाया में लाते ही अपने आप को ये बंद कर लेगा। ये देखो है ना गाइस कितना बढ़िया, क्या बढ़िया चीज़ है ना। अब इसको फिर से धूप में लेके जाते हैं, और आप सोच रहे हो कि मैंने कोई बटन दबाया तो मैं आपको धूप में रख देता हूँ इसको सिंपली। तो ये देखो घूमने लगा है ना गाइस, कितना बढ़िया टॉय ये है। बच्चों को बड़ों को सभी को ये पसंद आता है। चलो इसको अंदर लेके चलते हैं वापस से, और इसको रख देते हैं और सेकंड टॉय की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं हम अंदर आ गए हैं और ये बंद हो चुका है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो कितना बढ़िया है ना गाइस ये गैजेट। गाइस ये मैंने जो है 200 रुपीज में खरीदा है, 200 रुपीज में, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसको मैं अपनी कार के डैशबोर्ड पर रखूंगा। और अब मैं दिखाता हूँ हमारे पास ये देखो बहुत ही बढ़िया यूनिकॉर्न का सुपर कूल पूपी स्लाइम है। तो मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ स्लाइम। ये बॉटल मैंने 80 रुपीज में ली थी क्योंकि स्लाइम बहुत ही जबरदस्त लगा मुझे। तो ये देखो भाई कुछ इस तरीके से स्लाइम नजर आता है। ये देखो भाई ये देखो कैसे लटक गया है, कितना कूल है ना गाइस ये स्लाइम। ये देखो भाई ये सारा स्लाइम कितना शानदार लग रहा है। अभी इसके अंदर बॉटल के अंदर बहुत सारा है। ये देखो कितना कूल है ना गाइस, एकदम नियॉन कलर का स्लाइम है। और ये बॉटल जो है मैंने 100 रुपीज में खरीदी है। अगर आपके पास भी ऐसी स्लाइम है यूनिकॉर्न वाली तो कमेंट में जरूर बताना आप मुझे। इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाऊंगा हमारे पास है डायमंड मोटू पतलू रिंग्स का स्नैक्स टोमेटो फ्लेवर वाला। ये भी 5 रुपए का लिया है, और इसमें निकलेगा चिपकू टॉय। तो मैं आपको टॉय निकाल कर दिखाता हूँ कैसा चिपकू टॉय इसके अंदर हमारा निकलने वाला है। तो कट कर लेंगे इसको पहले, तो कट कर लिया है गाइस। ये देखो हमने कट कर लिया, अब देखो इसमें कितने यमी यमी स्नैक्स नजर आ रहे हैं। अब हम टॉय को ढूंढ लेते हैं। तो इसके अंदर हमें एक पिंक कलर का टॉय जो है नजर आ रहा है। ये देखो ये रहा हमारा चिपकू टॉय, मैं आपको इसको चिपका भी दिखाऊंगा। ये स्नैक्स को रखते हैं साइड में, और अब हम इसको चिपका के दिखाएंगे आपको कैसे ये काम करता है। तो इसको हम निकाल लेते हैं बाहर पॉलिथिन में से इसकी। तो ये देखो और ये आ गया हमारा चिपकू टॉय बाहर, और इसको आप कितना भी खींचेंगे ना ये लंबा ही हो जाता है, टूटता उठता नहीं है गाइस। ये बहुत चिपचिपा होता है, देखो जहाँ भी आप उसको चिपकाओगे ना प्लेन सरफेस पे चिपक जाएगा, बस ध्यान रखना वहाँ पर मिट्टी ना हो। ये देखो इस कितना भी आप इसको लंबा खींचोगे वापस से छोटा हो जाएगा। देखो कितना लंबा कर दिया, वापस से अपनी शेप में आ गया। अब आप इसको इधर से खींचेंगे तो वापस से अपनी शेप में आ जाएगा। इसको जब भी आप कहीं पर पैक के मारोगे ना तो ये वहीं पर जो है चिपक जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, तो ये देखो आपको मैं इसके ऊपर फेंक के मार के दिखाता हूँ। देखो यार मैंने फेंक के मारा ये चिपक गया, फिर से फेंक के मारता हूँ, ये देखो फिर से चिपक गया, गिर नहीं रहा है बिल्कुल भी। ये देखो इस कितना बढ़िया है ना ये चिपकू टॉय। 5 रुपए में यमी यमी स्नैक्स भी मिलते हैं हमें, और ये देखो कितने प्यारे प्यारे जो है हमें टॉय भी मिल जाते हैं 5 रुपए में, इतना बढ़िया स्नैक्स है गाइस। और इसके बाद देखो गाइस मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सैंडविच, जो कि एक मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ क्या है। देखो गाइस ये सैंडविच है, इसको आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में खा सकते हो, बट मैं आपको बता दूं ये कोई ब्रेड ब्रेड नहीं है। देखो ब्रेड की तरह दबता भी है एकदम रियल ब्रेड की तरह, बट मैं आपको बता दूं ये कोई ब्रेड ब्रेड नहीं है गाइस। ये ब्रेड सैंडविच जैसा दिखने वाला एक नोटबुक है। ये देखो ऐसे आप खोलेंगे तो आप डायरी वगैरह भी बोल सकते हो, कितने कलरफुल कितने सारे पेज है इसके अंदर। ये देखो ऐसे खोलो और ऐसे यूज करो। ये देखो गाइस कितना बढ़िया लग रहा है ना, आप किसी के साथ भी प्रैंक कर सकते हो, और गलती से कोई इसको ऐसे उठा के खा लेगा ना तो कसम से बहुत मस्त प्रैंक हो जाएगा उसके ऊपर साथ। एकदम असली रियल ब्रांड जैसे दिखने वाला फोम यहाँ पर दिया गया है, और ये मैंने 100 रुपीज में खरीदा है। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास क्या है। हमारे पास एक बहुत ही प्यारी हेलो किटी वॉच है आप सबके लिए। ये देखो यहाँ पर हेलो किटी लिखा हुआ है, और ये देखो कितनी प्यारी वॉच है, मैं निकाल कर दिखा देता हूँ। और ये वॉच का प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा, पहले इस वॉच को देख लो आप लोग। तो ये देखो ये है वो वॉच, और ये गर्ल्स को स्पेशली बहुत ही पसंद आएगी। तो इसको देखो ऐसे आप हाथ में पहन सकते हो कुछ इस तरीके से, कितनी बढ़िया लग रही है ना, कितनी कूल लग रही है मेरी जी शॉक वॉच के साथ। ये देखो है ना, और आप इसका टाइम कैसे देखना मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपको ऐसे स्लाइड करना है, ये देखो वॉच बाहर आ जाती है, फिर से स्लाइड करेंगे वॉच अंदर चली गई, फिर से प्रेस करेंगे ये देखो वॉच बाहर आ गई। यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं जब, और आप अपने फ्रेंड्स के सामने कितने कूल लगोगे ना, जब वो पूछेंगे टाइम क्या हुआ है वो कहेंगे टाइम तो इसमें आता ही नहीं है, बट आप ऐसे करके खोल के दिखाएंगे तो टाइम देख पाएंगे। कितनी कूल वॉच है ना, और इसका प्राइस मैं बता देता हूँ, इसका प्राइस है 150 रुपीज़।
और मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास क्या है आप सबके लिए। और फिर से गाइस हमारे पास एक मोटू पल्लू रिंग्स का स्नैक्स है जिसके अंदर ये भी 5 रुपए का है टमाटो फ्लेवर और इसके अंदर भी ग्लो स्टिक और ग्लोइंग टॉय निकलता है। तो देखते हैं इस बार हमारा कौन सा ग्लोइंग टॉय निकलेगा। तो पहले इसको देख लेते हैं फिर बाकी की चीजें देखेंगे। तो ये हमने कट कर लिया है और इसके अंदर एक ग्लोइंग टॉय हमारा निकला है। ये देखो गाइस क्या है ये, इसको निकाल कर देख लेते हैं क्या है ये। ये रात को चमकेगा कि नहीं ये भी अभी पता लगने वाला है। तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। इसका नाम है कलर ग्लो इन डार्क टॉय। तो ये रात को चमकने वाला टॉय है। तो इसको निकाल लेते हैं। इसको इस गाइस हमें क्या करना होगा, हमें पहले इसको चार्ज करना पड़ेगा धूप टॉर्च वगैरह से चार्ज करना पड़ेगा। सीटी निकलेगा इस हमारी सीटी। तो हमें कैसे सीटी बजानी, यहाँ पर उंगली से इसको प्रेस कर रहा है और यहाँ से फूक मार रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ फूक मार के और रात को चमकने वाली सीटी है। मैं आपको ग्लो करके दिखाता हूँ। तो इसको ग्लो कराने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें टॉर्च लेना है और टॉर्च से इसको चार्ज कर लेना है। गाइस ये देखो हमें इसको धूप में रख के भी आप इसको चार्ज कर सकते हो। जब धूप में रख दोगे ना ये खुद ही चार्ज हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे रखोगे ना टॉर्च के सामने रोशनी के सामने आप रखोगे। ये देखो हमने इसको चार्ज कर लिया ऑलमोस्ट। अब मैं आपको लाइट ऑफ करके दिखाऊंगा ना ये ग्लो करने लगेगा। मैं आपको लाइट ऑफ करके ही दिखा देता हूँ। तो गाइस हमने लाइट ऑफ कर दिया। अब मैं इस टॉर्च को बंद करने वाला हूँ और आप देखना कैसे ये ग्लो करेगी। ये देखो गाइस कितना बढ़िया ये ग्लो कर रही है सीटी। वाव देख लो गाइस इतनी बढ़िया लग रही है ना, ऐसा लग रहा है कोई बहुत ही कोई मतलब जादुई चीज हमने हाथ में ले ली है। ये देखो इतनी शानदार लग रही है ना गाइस। सिंपली इसको बस धूप में या धूप में रख के या फिर टॉर्च वगैरह से चार्ज करो या फिर बल्ब के नीचे ले जाके चार्ज कर सकते हो। पर आपको थोड़ा क्लोज लेके जाना पड़ेगा और ये चार्ज हो जाएगी और रात को ये ग्लो करने लगती है। तो कैसा लगा ये ग्लोइंग टॉय कमेंट में जरूर बताना आप मुझे। तो इसके बाद ये देखो गाइस हमारे पास आप सबके लिए बहुत ही प्यारी एक जंप रोप है। ये देखो ये बहुत ही प्यारी कलरफुल जंप रोप है जो कि हमने 100 रुपीज में खरीदी है गाइस। और इसको आप कट करके शॉर्ट भी कर सकते हो। और यहाँ पर देखो कितने बढ़िया डिजाइन इस पर बने हुए हैं। मैं निकाल कर ही दिखा देता हूँ आपको। इसका कलर कितना यूनिक है ना गाइस। ये देखो बहुत ही प्यारी जंप रोप है। ये देखो यहाँ से पकड़ सकते हो आप और जंप कर सकते हो। देखो कुछ इस तरीके से आती है। ऐसी कलरफुल जंप रोप आपने देखी हो तो कमेंट में जरूर बताना 100 रुपीज में। और इसके बाद ये देखो गाइस हमारे पास आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया ये देखो डोरेमोन का और का बैज भी है हमारे पास। ये देखो आप अपने स्कूल बैग में या फिर कॉलेज बैग में या फिर अपने शर्ट वगैरह में लगा सकते हो आप इसको। इतना शानदार लगेगा ना ये बैच। और इसके बाद ये देखो गाइस हमारे पास हॉट व्हील्स की कार है। यहाँ पर देखो कितनी शानदार, मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। विंटेज कार का कलेक्शन है हमारे पास हॉट व्हील्स का। और ये कार का जो सेट है मैंने गाइस 80 रुपीज में लिया है। इसके अंदर ये देखो गाइस हमारे डाइक क्लासिक कार मिली है। यहाँ पर एक ब्लू कलर की रेसिंग कार मिली है। कितनी बढ़िया लग रही है ये देखो इसको, बिल्कुल देखो कितनी शानदार लग रही है। और एक हमें येलो कलर की बहुत ही शानदार सुपर रेसिंग कार यहाँ पर जो है मिली है 80 रुपीज में, मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। और इसके बाद देखो गाइस हमारे पास एक प्लास्टिक की पेंसिल बॉक्स है बहुत अच्छी प्रिंसेस वाली। यहाँ पर देखो लिव योर हिस्ट्री लिखा है, डिज्नी प्रिंसेस यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरी प्लास्टिक की है। ऐसे खोलेंगे गाइस यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने पेन पेंसिल इरेजर रख सकते हो। और यहाँ पर ऐसे हटाओगे तो इसके अंदर हमें एक पेंसिल, एक प्रिंसेस वाला स्केल मिल जाता है, एक इरेजर मिलती है इसी के अंदर। और ये देखो टाइम टेबल लिखने के लिए एक स्लिप भी मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर हमें देखने के लिए जो है मिलती है। और इसका प्राइस है 100 रुपीज। और इसके बाद गाइस देखो मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया फैन है, बहुत ही शानदार फैन है। मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। ये पोर्टेबल फैन है गाइस, पॉकेट फैन भी इसको बोलते हैं लिखा हुआ है। तो इसको निकाल लेते हैं। इसका हमें चार्जिंग केबल मिलती है, इसको आप चार्ज करके यूज कर सकते हो। बैटरी लगाने की झंझट ही नहीं है, सिर्फ चार्ज करो और यूज करो। तो कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये देखो चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पे चार्ज कर सकते हो आप। इसको ऐसे निकालेंगे गाइस ये देखो, और यहाँ पर इसका फैन दिया गया है। ये देखो ये रहा इसका फैन। यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन है, इसमें 3 मोड है लो मीडियम हाई। तो ये देखो ये लो मोड पे ऑन हो गया, बहुत अच्छी हवा आ रही है गाइस। और हम दोबारा दबाएंगे तो हाई मोड हो गया इसका। अब फिर से दबाएंगे तो ये देखो सुपर फास्ट मोड इसका ऑन हो चुका है। ये देखो अपने फेस पर लेके जाओ, ठंडी ठंडी हवा खाओ। ये देखो ऐसे हवा आती है, बहुत ही बढ़िया पोर्टेबल मिनी फैन है। दोबारा दबाएंगे तो ये बिल्कुल बंद हो जाता है। ये देखो और इसकी पंखड़ी भी ऐसे अंदर चली जाती है और इसको सिंपली आप ऐसे बंद करके जो है रख सकते हो। पॉकेट में आपके आराम से ये आ जाएगा, एकदम फोन के जैसा है। तो ये पोर्टेबल पॉकेट फोन फैन कैसा रहा कमेंट में बताना। ये हमने 150 रुपीज में शॉप से खरीदा है। आपके पास भी अगर ऐसा फैन है या अगर आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। और लास्ट में हमारे पास एक बहुत ही गजब की चीज है जो आपको देखनी जरूरी है। तो ये रही वो गजब की चीज,
तो ये देखो गाइस हमारे पास एक आउल वाला शार्पनर है। ये देखो ऐसा शार्पनर आपने कभी देखा है जिंदगी में? मैं आपको बताता हूँ, एक शार्पनर बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर हैंडल दिया, इसको घुमाने से पेंसिल शार्प होती है और जो इसकी नोज है इसके अंदर हमारी पेंसिल जाएगी अंदर, और ये और कचरा कहाँ से निकलेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो पूरा वीडियो देखो। तो ये देखो यहाँ से देखो पेंसिल को हम यहाँ से डाल देते हैं, इसके नोज में डाल दिया हमने। अब हम इसको घुमाएंगे गोल गोल और हमारी पेंसिल जो है शार्प होनी शुरू हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं हमारी पेंसिल शार्प हो चुकी है। अब हम निकालेंगे पेंसिल को बाहर। तो ये देखो कितनी शानदार और पॉइंटी हमारी पेंसिल जो है शार्प हुई है, कितनी बढ़िया लग रही है ना गाइस। ये नॉर्मल शार्पनर से शार्प हुई है ये वाली, इधर से और इधर से हमने, इधर से 5 रुपए वाले शार्पनर से करी है और इधर से हमने जो आउल वाले से करी है, इतनी बढ़िया लग रही है ना। अब मैं आपको कचरा दिखाता हूँ, कचरा कहाँ है इसका सारा का सारा। तो यहाँ से सिंपली इसको निकालेंगे, इसके पेट को बाहर निकालेंगे, सारा कचरा आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। देखो गाइस कितना सारा कचरा यहाँ पर निकल चुका है। और ये शार्पनर गाइस मैंने 150 रुपीज में खरीदा है मार्केट से। और अगर आपको भी ये शार्पनर चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, अगर आपके पास भी है या फिर आपके फ्रेंड्स के पास है तो भी मुझे जरूर बताना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर देना लाइक, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना ताकि वो भी इंजॉय कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के आइकन को दबा लेना ताकि ऐसे ही जबरदस्त वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बाय बाय।